एमएलए हैं वो किसने बनवाए, महिलाओं का सशक्तिकरण किसने किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसने लाया? आप लोग जवाब ये सारी चीजें इस पूरे देश भर में जो 137 स्कीमों की बात की वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आज अगर देश की सीमा सुरक्षित है तो वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की बदौलत है। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिस पीड़ा को हमने 65 साल बर्दाश्त किया है वो शायद यहाँ आकर आप लोगों को महसूस नहीं होती होगी, पर हमें रोज टेररिज्म के साथ जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, हमें अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है। और हमारी लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। आज अगर आतंकवाद को करारा जवाब दिया है तो वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिनका 56 इंच का सीना है। और पुलवामा में जब अटैक हुआ और उससे पहले उरी में जिस तरह का अटैक हुआ, उन्होंने उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बाद एयर स्ट्राइक करके देश का नाम पूरे दुनिया भर में ऊंचा किया। मैं समझता हूँ इस तरह का इस तरह के डिसीजन बोल्ड डिसीजन लेने वाला प्रधानमंत्री हमें पिछले 70 सालों में नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम उस माला में यहाँ से अपने प्रत्याशी सनी देओल जी को भारी मतों से जिताकर केंद्र में भेजें ताकि वो मोदी जी की माला का एक हिस्सा बन सके।